Do you wanna see my haircut, guys? Just look at this. It's very delicious, guys. It's very delicious. लेकिन इसको चपाने में ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मैंने यहाँ पर योनदन गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है. मैं यहाँ पर अकेला बैठकर खाना खा रहा हूँ. Hey yo beautiful people, what's up and welcome back to my new vlog. So guys, कैसे आप सभी हो? कि अच्छे होंगे, अच्छे रहना अपने अपने घर में. So guys, आज मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरा हेयर कट करूँ. तो आज करेंगे भी हेयर कट, तो वही मतलब कौन सा वाला हेयर कट रखना है बोल के मैं आई एम वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ. तो मैं अभी गूगल में बहुत सारा फोटोज देख रहा था, स्क्रॉल करते जा रहा था कि कौन सा वाला हेयर कट अच्छा है और कौन सा वाला हेयर कट मेरे को सूट करेगा बोल के. लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रखना है और कौन सा हेयर कट आज करवाना है. तो वही है गाइस, मेरा मॉम भी बोल रही थी कि हेयर कट करवा लो, ज़्यादा ही लंबा हो चुका है गाइस. अगर आप ये मतलब ये पोनीटेल खोल कर आप अगर देखोगे ना रियल में फेस टू फेस, तो मतलब ज़्यादा ही लंबा हो चुका है बाल. अभी कट करने का टाइम आ चुका है. तो वही है गाइस, कल मेरे को घर भी जाना है एंड घर जाने से पहले आज मैं हेयर कट कर ही जाऊँगा. तो अभी थोड़ी देर बाद जाएँगे क्योंकि अभी बहुत गर्मी भी है एंड अभी मेरे को जिम भी जाना है. तो जिम जा कर आते हैं एंड उसके बाद हेयर कट करने चलते हैं, ठीक है. तो मतलब मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं अभी, ठीक है. अभी तक तो मैं सोच ही रहा था कि कौन सा वाला सूट करेगा मेरे को, कौन सा वाला अच्छा रहेगा. लेकिन अभी मैं वो सब छोड़ देता हूँ, बस सलो जाता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ कि मतलब ऐसा ऐसा टाइप का चाहिए, ऐसा ऐसा काट दो, ऐसा ऐसा काट दो. तो देखेंगे क्या होगा रिजल्ट, लास्ट में कैसा रिजल्ट आएगा. वही है गाइस, मेरे को क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक रीज़न है, क्योंकि मैं 2 साल से यही स्टाइल में, यही हेयर कट में ही मैं मतलब रखता आ रहा हूँ, यही हेयर कट रखता आ रहा हूँ 2 साल से, ठीक है. तो इसीलिए मतलब आइडिया नहीं है कि कौन सा हेयर स्टाइल मेरे को सूट करेगा. ये हेयर स्टाइल क्यों रखता हूँ क्योंकि ना ये एकदम ईजी होता है. कहीं पर जाओ तो मतलब यहाँ पर पोनीटेल बांध दो, एक रबर बैंड ही चाहिए सिर्फ, पोनीटेल बांध दो एंड यहाँ पर वैक्स ऐसे करके लगा दो, एकदम स्मार्ट लग जाओगे और जहाँ पर भी आप लोग चुटकियों में जा सकते हो रेडी होके. तो अभी मतलब दूसरा टाइप का हेयर स्टाइल रखने से क्या होगा कि सेट करना पड़ेगा पहले, है ना. तो मतलब बहुत टाइम चला जाता है उसमें, तो इसीलिए. एंड मेरे को तो हेयर कट करवाना पसंद भी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम जाता है उसमें. तो लेकिन आज करवाएंगे, आज मेरा हेयर स्टाइल चेंज होगा आई गेस. लेकिन कटवाने का मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन कटवाना पड़ेगा क्योंकि मॉम ने भी कहा और अंजलि भी कह रही थी कि हेयर कट करवा लो, ज़्यादा ही लंबा हो चुका है तुम्हारा बाल. तो यही है गाइस, अभी थोड़ी देर बाद जाए निकलेंगे हम लोग, ठीक है. वेदर बहुत ख़राब हो गया गाइस. हम लोग सोच रहे थे मतलब अभी अभी जिम से लौटा मैं एंड जिम से लौट कर आधा घंटा रेस्ट किया एंड उसके बाद ऐसा मतलब विंडो खोल के देखा तो एकदम मतलब पूरा वेदर बिगड़ चुका है. अभी बहुत बड़ा मतलब बारिश आने जैसा वेदर हो रखा है. तो कब जाए हेयर कट करने? आज तो जैसे भी करके करना है हेयर कट भाई, कल सुबह घर के लिए निकलना पड़ेगा मेरे को. हाँ यंतिन, हाँ आज मौसम थोड़ा, आज नहीं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो ना आसमान पूरा काला पड़ चुका है एंड यहाँ भी मतलब वो काम वाला हवा जो होता है ना बारिश आने से पहले जो शांत वाला हवा, वो अभी चल रहा है. मैं ये वेदर मूवीज़ देखने के लिए है, फैन खोलो, ब्लैंकेट ओढ़ो और फिर मूवी देखो. बहुत अच्छा अच्छा मूवी आया है अभी तो, लेकिन देखने का टाइम भी नहीं मिलता. व्लॉग बनाना पड़ता है, 4 बजे तक रात को एडिट करना पड़ता है, तो मूवी कब देखें? पिक्चर परफेक्ट, यू डोंट नीड नो फिल्टर. डे आफ्टर टुमारो पंचायत वोट है ना, तो इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ. ये मंथ नहीं भी गया क्योंकि मतलब यही पंचायत वोट के कारण से. मैं सोचा कि अभी मतलब अभी जाएंगे तो पंचायत वोट में फिर से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए डायरेक्ट पंचायत वोट में भी पंचायत वोट में ही चला जाता हूँ बोल के. तो वही है गाइस, अभी बहुत अंधेरा हो चुका है. तो कल घर जाएंगे एंड डे आफ्टर टुमारो वोट डालेंगे, वोट ग्राम पंचायत वोट. सो गाइज, अभी हम लोग रूम से निकल चुके अभी मतलब हेयर कट करने. हम लोग थोड़ा वेट किया बारिश की वजह से, बारिश तो नहीं आया लेकिन मतलब वो आने वाला जैसा वेदर हो रखा था ना, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ा आधा घंटा जैसा. तो मतलब ऐसे वेट किया एंड देखा, लेकिन हम लोग लगा कि अब बारिश नहीं आएगा ना. रात को आ सकता है लेकिन रात को आ सकता है. तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा सैलून
एंड उसके बाद देखेंगे कि कैसा हेयर कट करना है। आई होप कि सब अच्छा हो, क्योंकि हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर एवरीबॉडी आई गेस, राइट? हेयर तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना? हेयर इंपॉर्टेंट है हमारा, मतलब जो ज्वेलरी होता है ना जो लड़कियों का, हमारा कुछ भी नहीं होता वैसा, हमारा सिर्फ बाल ही होता है। अगर बाल झड़ गया तो मतलब लड़का लोग का जिंदगी तमाम खत्म एकदम ना। तो वही है गाइस, एकदम मतलब इंस्ट्रक्शन दूंगा वहाँ पर कैसे काटना है बोल के, और उसके बाद देखेंगे, ठीक है? तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर बैठकर चाना खा रहे हैं, क्योंकि पार्लर तो हम लोग गए थे लेकिन मतलब थोड़ा लोग था यहाँ वहाँ पर ट्राउंड वेट कर रहा था, तो इसीलिए बोला कि हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा। तो अभी बाहर बैठकर चाना खा रहे, चाना जैसे ख़त्म होगा हाफ एन आवर भी ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे फिर से बाल कटवाने, ठीक है? मैंने यहाँ पर निरंतर गर्लफ्रेंड से बात कर रहा, मैं यहाँ पर अकेला बैठकर चाना खा रहा हूँ, यही है गाइस। एंड ये गुरुम बस्ती का रात का नज़ारा, सी मैं हेयर कट गाइस दिखाया आप लोगों को, अभी अभी तो दिखाया ना। तो ये देखो अभी सब्जी लेकर जा रहा हूँ घर, भिंडी आलू, अभी अंतिम बोल रहा है कि अंडा आलू खाना है, देखेंगे क्या होगा। मैंने भिंडी भी कैरी किया अपने साथ, ठीक है? तो ये अभी पहुँचने वाले रूम पहुँच कर बस बॉडी ना आना है, क्योंकि हेयर वॉश तो ऑलरेडी किया मैंने वहीं पर, अभी बॉडी ना आना है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस हेयर कट गाइज, मतलब ये तो एकदम बढ़िया हेयर कट किया आज तो मैंने। आई एम सेटिस्फाइड हेयर कट में सेटिस्फाई होना एकदम ज़रूरी है गाइज, है कि नहीं? तो अभी मैं ये रास्ते होके जा रहा हूँ, कितना बार देख चुके होंगे ना ये रास्ता तो आप लोग, व्लॉग में रोज़ ही देखना पड़ेगा आप तो। अगर इस जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हुए तभी आपको नहीं देखना पड़ेगा ये जगह, नहीं तो फिर रोज़ यही जगह, ठीक है? अभी थोड़ा थोड़ा करके बारिश आ रहा है, थैंक गॉड बारिश आने से पहले हम लोग रूम पहुंचने वाले हैं अभी। तो वही है, देखा रोड भी भीगा हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। अभी रूम पहुंचेंगे, उसके बाद थोड़ी देर मेरा क्या होता है, जहाँ से भी आओ थोड़ा आराम करेंगे 5 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट मुझे थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है, ओके? तो चिकन खाएंगे, वो बॉयल्ड चिकन बॉयल्ड करके खाएंगे चिकन, मैंने लाया था वो जिम से आते वक्त, चिकन तो ऑलरेडी ला कर ही आया था मैं, तो चिकन खाएंगे अभी बॉयल करके, एंड अंडा मकई भी है। कल तो मेरे को घर जाना है भाई, तुमसे प्यार है, लॉक किया है लॉक, एंड यस माय साइकिल इज सेफ एंड सिक्योर हियर। तो अभी अंदर चलते हैं गाइस, अभी यहाँ पर ताला है तो ताला अभी खोल कर अंदर जाएंगे। हमको तुमसे प्यार है, एक ही हाथ से खोल देता हूँ गाइस मैं ये सब चीज़ मेरा बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का तो नहीं है क्योंकि बाएं हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है ना, बाएं हाथ का ही खेल था ये ताला खोलना भी, लेकिन अभी बाएं हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो दाएं हाथ का काम, ठीक? तो ये है मेरा रूम, रूम का इंटीरियर तो नहीं दिखाऊंगा गाइस आप लोगों में, रूम का इंटीरियर ना इतना खराब होता है मेरा रूम, उतना ज्यादा खराब भी नहीं है अभी, बस ऐसे मतलब इतना तो रखा है मैंने, ठीक है? तो वही है गाइस, अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, अभी कैमरा को थोड़ी देर ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद काम भी करना है, ठीक है? चलो, बोल फुल ऑफ प्रोटीन, बॉयल चिकन, जस्ट लुक एट दिस, इट्स वेरी डिलीशियस गाइस, इट्स वेरी डिलीशियस।
मुझे तो पसंद है। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन इसको चपाने में ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्टिकी स्टिकी टाइप से। वाव, आई जस्ट लव बॉयल चिकन। अभी तो आदत पड़ जाए ना मेरे को, तो इसीलिए पसंद है। जब पहले पहले स्टार्ट किया था ये खाने, तब मतलब थोड़ा दिक्कत होता था और टेस्ट भी ज़्यादा पसंद नहीं आता था मेरे को, लेकिन अभी तो ऐसा ही पसंद है मेरे को। मसाला वाला पसंद नहीं, अभी मसाला वाला सिर्फ वो केएफसी का पसंद है एंड उसके अलावा तो यही पसंद है मेरे को सिर्फ। ये देखो, अगर ये सब्जी होता तो कप का चबाकर भी निकल चुका हुआ है इसको, लेकिन ये बॉइल्ड होने के कारण से थोड़ा मुश्किल होता है चपाने में। कूल। सो गाइज, अभी डिनर विनर सब खत्म कर लिया है, अभी बच चुका है आपका दो एंड योनतेन और संदीप अभी लाइव जा रहे हैं। 2 बजे को लाइव जाता है ये लोग, मतलब गिटार के साथ गाना गाते हुए अभी लाइव जा रहे हैं। तो या गाइज, अभी मैं तो सोने चल रहा हूँ, वो लोग मतलब कब सोए मेरे को मतलब नहीं इससे, क्योंकि वो लोग अभी लाइव जा रहे हैं, बहुत देर तक लाइव जाते हैं लोग। एंड या गाइज, अभी देखो बारिश भी शुरू हो गया है, तो मस्त मतलब नींद आएगा अभी तो। तो या गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो अलोंग विद मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी होगा कल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।